जय धर्मेश, मैं चित्रंजन राव रोग खेदना का मैं पांचवा भाग बताने जा रहा हूँ। ऐसा करने से रोग भागती है क्या? क्या रियल में ऐसा करने से रोग भागती है क्या? क्या ऐसा करने से रोग भागती है क्या? नहीं, रोगे भागे या ना भागे, लेकिन हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो बनाई हुई जो सिस्टम है उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव कारण है, उसको कुछ न कुछ सकारात्मक कारण है। तो रोगे भागता है या नहीं भागता है? भाग रहा है ऐसा महसूस लोग करते हैं। अभी अलग 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 प्रकार के भी रोगे खेदना किए जा रहा है। अभी मैं बता रहा हूं, फिलहाल में एक रोगे खेदना हुआ था। उस रोगे खेदना में जिसका घर में या जिसका परिवार में एक बेटा है उसका घर से रोगे खेदना का काम करेंगे। आप ये देखिए, क्या जिसका बेटा है उस बेटा का जो रोग खेदना है वो रोग एक ही बेटा के यहाँ रोग भगाना है क्या? एक डर पैदा किया जा रहा है कि तुम्हारा एक बेटा है, अगर तुम यह नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटा का कुछ भी हो सकता है, डर हो सकता है। तो मैं क्या चाहूंगा कि क्या रोगे खेदना हमारे आदिवासियों के लिए या कुछ जनरल लोगों के लिए ही एक ही बेटा के साथ में ऐसा हो सकता है क्या? और अन्य समाज के लोग नहीं करते हैं, उनके साथ में लागू नहीं होता है? तो इस प्रकार के हमें क्या कर रहे हैं, हम इस प्रकार के ये गुमराह हो रहे हैं। एक प्रकार का देखा जाए तो हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जब कोई कुछ भी बोल देता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें तुरंत विश्वास कर लेते हैं। हम लोग तर्क वितर्क नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग का स्वभाव है ना छल ना कपट। और हमारे माताओं तो और भी जल्दी है, जहां थोड़ा सा डर भाव पैदा कर दिया या मीठी मीठी बात कर लिया वो जाने अनजाने मुंह में करने के लिए कूद पड़ती है। तो हमको आज इस प्रकार के काम नहीं करना चाहिए कि हम इस प्रकार के जो हो रहा है उसे तुरंत विश्वास कर लें। वो विश्वास किए और ये कहां से शुरू हुआ इसको कुछ भी पता नहीं है, कौन शुरू किया इसको भी पता नहीं है, और इसका कब अंत होगा इसका भी कुछ पता नहीं है। ये एक बहुत हद तेजी से नेटवर्क की तरह काम करता है, ये नेटवर्क की तरह काम करता है। वो कहां से शुरू किया, किसने किया, कुछ भी किसी को भी पता नहीं है वो कहां से शुरू हो गया। आप क्या कर रहे हैं, इस गांव में आया, इस गांव में शुरुआत है, इस गांव के लोग अगला तीन सीमाने डाल देते हैं, अगला वाला अगलम कर देते हैं। इस तरह से बताते पता नहीं कहां कितना दूर तक चले जाता है, कितना दूर तक होता है या चले जाता है, कोई अंत नहीं, कोई इसका सीमा नहीं है। अरे अंदाजे उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक सोचे समझ के हम लोग को कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, हम इसी प्रकार से अगर गुमराह होते रहेंगे, इसी प्रकार से हम लोग बिना सोच समझ के करते रहेंगे तो हम लोग जिस चीज के लिए हमारा वास्तविक रूप में काम करना चाहिए, जिसके लिए हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हमको जो काम करना चाहिए उसमें हम लोग नहीं कर पाते। और जाते जाते आज हम इसी चीज में लगे हुए हैं, जिस चीज के द्वारा हमारा सफलता मिलेगा, जिसके द्वारा हम उन्नति करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, उस चीज को हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस चीज को नहीं कर रहे हैं और उल्टा सीधा चीज को हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत तेजी गति से बढ़ता है, इसका तेजी इतना तेजी होता है कि मत पूछिए। एक डर और डर और डर पैदा करा दिया जाता है। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना अच्छाई है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, सब विचार करें। और विचार करते हुए हमको इसमें जो गंदगी है, इसमें जो दुख देने वाली है, इसमें जो बेकार का लगता है उसको निकाल के फेंकिए, इसको मत रखिए।
तो चलिए फिर मैं अगला भाग में बताऊंगा। जय धर्मेश।